नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत एक नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के गणित विषय के कक्षा एक के पाठ्यक्रमांक 1.2 एवं पाठ का नाम पीछे आगे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार का प्रयोग करके इस पाठ के साथ हम किस प्रकार से इसको कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी संख्या के अनुसार आप समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर इस नवाचार की, कि इस नवाचार में नवीनता एवं उपयोगिता क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं। विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर कॉन्सेप्ट या पाठ से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं एवं उनको कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन में भी आसानी होती है एवं इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह इस पाठ की नवीनता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस नवाचार को क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षक को क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से किसी भी वस्तु की आवश्यकता करने पुनः पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षक को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो एवं साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट का निर्माण भी कर लिया गया हो एवं विद्यार्थियों को यह निर्देश भी दिया जा चुका हो कि सभी विद्यार्थियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर इस पाठ से जुड़े शब्दों का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। क्योंकि इस पाठ के लिए जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि आकृति और पैटर्न, यानी आगे पीछे आकृति और पैटर्न के को कॉन्सेप्ट को या ध्यान में रखते हुए पाठ से जुड़े शब्दों का प्रयोग करके ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थियों को निर्देश दे दिया जाता है और अपने स्थान पर खड़े होकर विद्यार्थी इस नवाचार के नियमों का पालन करते हैं और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। चूंकि अक्सर देखा गया है उपस्थिति दर्ज कराते समय एक जो विद्यार्थियों में निरस्ता रहती है, उसका कारण यह हो सकता है कि अक्सर देखा गया है सभी विद्यार्थियों में से कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो अपने गृहकार को उपस्थिति के दौरान या तो अपना गृहकार कर रहे होते हैं या फिर विद्यार्थियों से बातें कर रहे होते हैं या फिर घर में किसी खेल के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस प्रकार से हमने क्या किया। तो अक्सर उपस्थिति के दौरान विद्यार्थियों में जो निरस्ता होती है वो कहीं ना कहीं उपस्थिति के दौरान वह उपस्थिति को समय बहुत ही कम लेते हैं। इसी के लिए इस नवाचार में इस उपस्थिति के दौरान ही विद्यार्थियों को अपने स्थान पर खड़े होकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शब्दों में इस पाठ से पुनः अभ्यास के लिए भी यह बनाया गया है कि इस प्रकार से विद्यार्थियों को यह नियम पालन करने हैं। अब बात करेंगे कि आखिर इसको उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से हम यह कक्षा में कर सकते हैं और विद्यार्थियों को किस प्रकार से इस नियम का पालन करना होता है और किस प्रकार से शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इसको उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं अनुक्रमांक के आधार पर विद्यार्थी की उपस्थिति ली जा रही है और जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक एक बोलते हैं तो अनुक्रमांक एक वाला विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है और आगे पीछे के विद्यार्थियों के नाम बोलेगा, जैसे अपने आगे के विद्यार्थी का एक नाम और अपने पीछे के विद्यार्थी का एक नाम। तो विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होगा और नाम बोलेगा सुमित शालू, यानी सुमित आगे बैठा हुआ और पीछे शालू बैठी हुई है। तो यह विद्यार्थी और नाम बताने के बाद अपने स्थान पर धैर्यपूर्वक बैठ जाएगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगा। इसी प्रकार से अगला विद्यार्थी अनुक्रमांक दो अपने स्थान पर खड़ा होगा और आगे पीछे के विद्यार्थियों के नाम बताकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगा। इसी प्रकार से पूरी कक्षा एक एक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी और शिक्षक सभी के नाम भी विद्यार्थियों को पता रहेंगे और अपने आस पास के विद्यार्थियों को भी देख पाएंगे कि आगे हमारे कौन है और पीछे कौन है। तो इस प्रकार से वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह नवाचार और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाएं
एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।